हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद अंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी मसालेदार पालक पनीर रेसिपी। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और बनाना बहुत आसान है। तो चलिए, इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल में एक बड़ा चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 काली मिर्च के दाने, 2 छोटी लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून जीरा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा कटा प्याज। 1 चम्मच ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज को मैं 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने दूंगी। 1 मिनट प्याज को पका लिया, मैं इसमें ऐड करूंगी 2 पिंच हींग। अब हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार 1/2 छोटी चम्मच। मिक्स कर लेंगे। 1 बड़ा कटा टमाटर ऐड करेंगे। मिक्स करके मैं इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 2 मिनट हो गए, मैं इसे मैश कर लूंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 छोटा ग्लास पानी। अब इसमें ऐड कर देंगे पनीर। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम पनीर को कट करके लिया हुआ है और मैंने लिया है 150 ग्राम पालक। पालक को मैंने 2 से 3 बार धोने के बाद इसे कट कर लिया है और ऐड करेंगे 2 कटी हरी मिर्च। इसे मैं ढक के 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूंगी। 3 मिनट हो गए, एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं, मेरे पास मलाई अवेलेबल है तो मैं मलाई डाल रही हूँ। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी लगता है। मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास फ्रेश मलाई ना हो तो आप इसके बदले दही या फिर काजू का पाउडर बना के इसमें ऐड कर दें। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और इसे मैं ढक के 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूंगी। 5 मिनट हो गए, सब्जी अब बनके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म मैं इसे सर्व करूंगी। मसालेदार पालक पनीर रेसिपी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें रोटी पूरी पराठा नान या कुलचा के साथ, और राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।